राग ब्रह्मचंडाल अटे केतेबेले जीवन नहींजीव ताहा केही कहि परिबेनी। सान भाई करुथला अजथा खर्च, खाली सेतिक नुहे सान भाई पाठ भी पढ़ुनथला। आउ सान भाई को बाट को आनिबाको जाई आईन जालरे एबे छंदी हेई पड़िछि बड़ भाईटी। कारण बड़ भाई हत्या करि पकेछि तार अति आपणार सेई कुनी भाई को। पाठ पई सान भाई को पिटु पिटु ता जीवनटी नेई जाईछि। आउ एबे मृतक शरीर विभिन्न स्थान रे दाग थिबा भी देखिबा को मिलिछि। अजागारे बाजी जाइछि ठेंगा बड़ भाईर, आउ जोंथरे चली जाइछि सान भाईर जीवन। घटनार प्रकाश जे बड़ भाई ए पाठ पढ़ा आउ पदखर्ची को नहीं सान भाई को बारंबार बुझाउथले, हेले सान भाई जमा भी शुणुनथले। शुणिबे बा केमिति? जहा बयस तांकर तांको जदि बुझाई थाते बोधहुए तांको सान भाई किछि शुणी भी थाते, किंतु एते अजथा खर्च करुथले जहा बुझाई बुझाई बड़ भाई थकी जाइथले। आउ सेई बड़ भाईर मुंडकू चढ़ी जाइथिला पित्त। ठेंगा माड़े सान भाई को मारी देइछंती से। भुवनेश्वर खंडगिरी अंचल रे घटी जघन्य हत्याकांड। मृतक होउछंती राजमोहन सेनापति एवं हत्याकारी होउछंती बड़ भाई विश्वमोहन सेनापति। खबर अनुसार बड़ भाई नयापल्ली अंचल रे रहउतवा बेले खंडगिरी रहउतले तांको सान भाई राजमोहन। राजमोहन बारंबार घरू टंका आनी अजथा खर्च करतले, एवं जहाकु नै मंगलवार दिन उभयक भितरे बचसा भी होइतला। परे उत्क्षिप्त होई ठेंगारे राजमोहन को आक्रमण करथिले बड़ भाई विश्वमोहन, जहाँफल घटनास्थल में ही सान भाईर मृत्यु होता। सेपटे हत्याकांड संपर्क में खबर पाई खंडगिरी थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ कर मृतदेह को जबत कर शव व्यवच्छेद निमंते भी पठाई पुलिस। आ बड़ भाई को अटक रखी तदंत जारी रखी। कहुए जे मनुष्य जितेबाला रागी जाए से कौन कर से निजे भी जापे ना। कि अदृश्य शक्ति से मनीष को एभली नारकीय कांड घटदेवाई प्रेरणा दिखती। तेज सतरे अनेक हत्याकारी कहती से समय रे से किभली जन को मारी पकाइले से माने निजे भी जानी पारि नथांती। तेबे बड़ भाईटी आज निश्चित अनुताप भी करुथबे, किंतु कले कौन हब? सान भाई आज आ दुनिया रे नहीं। भुवनेश्वर ज्योतिप्रकाश पति रिपोर्ट, प्रतीदिन टीवी।